जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ही खुशी का पल है जिसका बेसब्री से कई समय से बहुत ही समय से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। आज यूपी पुलिस की वैकेंसी की एक खबर आई है, भर्ती बोर्ड ने जारी किया है, उसके ट्विटर अकाउंट से एक खबर आई है कि लगभग यूपी पुलिस में अभी तक की सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है। अभी यूपी पुलिस के इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती आज तक नहीं आई है, लगभग 53,000 पदों पे भर्तियां आनी है, ठीक है। और इसकी जो न्यूज़ है ये ऑफिशियली जो न्यूज़पेपर है वो ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं और उससे आई है, और उसकी खबर है कि जुलाई में लगभग जो है कंपनी का टेंडर जारी हो जाएगा और नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी हो जाएगा और साल के अंत तक ये वैकेंसी आनी है। देखते हैं कि इसकी जो परिचर्चा है वो किस तरीके से है। इसका जो एग्ज़ाम है पहले हम लोग वो देख लेते हैं कि जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे होता रहा है। लास्ट ईयर जो वैकेंसी आई थी लगभग 2019 में, तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें जो पैटर्न था वो ये था, ठीक है। उससे पहले पैटर्न कुछ और रहा करता था, ठीक है। लास्ट टाइम चेंज हुआ था और उम्मीद कर रहे हैं कि उसी तरह का पेपर फिर से देखने को मिलेगा। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन इसका अभी कुछ निर्धारण नहीं हुआ है। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा वहाँ पे सारी खबर एकदम क्लियर हो जाएगी, लेकिन संभावना ये है कि जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा ऑनलाइन कंडक्ट कराना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा यदि कंपनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो पेपर अभी तक आ रहा था किस पैटर्न पर, तो वो ये है, हम लोग देख रहे हैं सामान्य ज्ञान से लगभग 38 क्वेश्चन आते थे, एक क्वेश्चन की कीमत 2 नंबर है यहाँ पर, और हिंदी के 37 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पॉइंट और मानसिक मेंटल एबिलिटी की, ये रीजनिंग का कुछ सेक्शन रहता है, तो 38 क्वेश्चंस रहते हैं। इस 38 क्वेश्चंस में लगभग 18 क्वेश्चंस आपके मैथ के सेक्शन के रहते हैं और 20 क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग के पूछ लेता है, और प्योर रीजनिंग यहाँ पे रहती है 37 क्वेश्चंस रहते हैं लगभग 74 नंबर के। तो इस तरह से 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर कीमत होगी उनकी। अगर आपको इसमें सेलेक्ट होना है तो कंपटीशन के हिसाब से यदि हम लोग मोटा अनुमान लगाएं तो लगभग 230 से ऊपर नंबर आपके बनने चाहिए। अगर 230 से ऊपर नंबर हैं तो आप रेस में शामिल हो, ठीक है। तो इस तैयारी की धार को तेज करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़े। हम लोग बहुत ही जल्दी इसके लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग लेके आ रहे हैं, आप सभी की तैयारी की धार को तेज कराया जाएगा। और ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, आप सभी ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं, जो साथी हमारे आसपास ही रहते हैं ऑफलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेशन चलेंगे, टोटल फ्री होंगे। जिसको डिटेल में पढ़ना होगा वो हमारे पाइनियर उरई नाम का एप्लीकेशन है, आप उसको इंस्टॉल करके वहाँ से एक कोर्स खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसमें टाइप बाय टाइप हम लोग एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और टॉप लेवल तक के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना। तो इसकी खबर को देख लेते हैं, जो आज ऑफिशियल न्यूज़ आई है उसको देख लेते हैं एक बार को। तो यहाँ पे ये आज का ही न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है कि 53,000 के आसपास जो वैकेंसी आनी है। यहाँ पे जो आंकड़ा दर्शाया गया है वो बताया गया कि भाई लगभग जो है 52,699 पदों पर भर्ती आनी है, 52,699 पदों पर भर्ती आनी है, और ये इस तरह से है। और ये जो वैकेंसी है वो किस तरीके से डिवाइड है ये सब बताया गया है इसमें, आप सभी ने लगभग ये चीज़ देख ली होगी। और उम्मीद भी लगाई जा रही है कि 25 लाख के आसपास जो है फॉर्म डाले जाएंगे, तो एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा बच्चों। तो जो भी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे इस भर्ती का, वो अपने सभी कामों को छोड़ के, सब चीज़ों को त्याग के एकदम अपना 100% अपनी 100% एनर्जी, पूरी ऊर्जा इसी में लगा दें, दोबारा भर्ती का इंतज़ार ना करना पड़े, ऐसी नौबत ना आए। मैं ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि जो बच्चे मेहनत करेंगे ज़रूर सफल होंगे इस भर्ती में, ठीक है। एक बड़ी भर्ती आ रही है और ये मौका आपकी ज़िंदगी से छूट ना पाए, क्योंकि अगर ये मौका छूट गया तो फिर निश्चित तौर पे आप ओवरएज हो जाएंगे और फिर ये वैकेंसी दोबारा कई सालों तक नहीं आने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है। चलें हम लोग जल्दी इसका एग्ज़ाम शेड्यूल और जो हमारी क्लासेस का शेड्यूल है वो जारी करेंगे, हम लोगों के लिए जुड़े रहें।